चुनाव का वक्त है और हरियाणा तैयार है अपना फैसला सुनाने के लिए। हरियाणा के गांव, कस्बों और शहरों में इस बार लोगों का मूड क्या है, ये जानने के लिए चुनावी ताऊ हरियाणा के सफर पर है। अब तक आपने देखा रोहतक का सियासी मूड, फिर हमने दिखाई भिवानी की आवाज। आज चुनावी ताऊ आपको लेकर चलेगा दिल्ली से सटे झज्जर और बहादुरगढ़ की गलियों। झज्जर, हरियाणा की राजनीति में झज्जर एक ऐसा जिला है जिस पर दो अलग अलग हिस्सों का प्रभाव साफ तौर पर देखा जाता है। कभी वो रोहतक की राजनीति से प्रभावित होता है तो कभी उसे अहिरवाल की हवा लगती है। झज्जर में यूं तो बहादुरगढ़ है जिसकी दिल्ली के साथ नजदीकी है और जहां मेट्रो पहुंचती है, लेकिन विकास की कहानी झज्जर में कितनी है, झज्जर में कैसा हुआ विकास, चलिए देखते हैं चुनावी ताऊ में। मैं दिखाता हूं आपको वो तमाम गलियां जहां से झज्जर के विकास की कहानी आपके सामने आएगी, देखते हैं चुनावी ताऊ। देश की राजधानी दिल्ली से 42 किलोमीटर दूर झज्जर के विकास को समझने के लिए चुनावी ताऊ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। झज्जर को जोड़ने वाले इस हाईवे ने विकास की कहानी खुद ब खुद बयां कर दी। हरियाणा में अगर हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों में एक दूसरे शहरों को जोड़ती हुई सड़कें भी हो सकती हैं, लेकिन हम जिस सड़क पर खड़े हैं वो विकास की उस कहानी को तो दावे को साबित नहीं करती है जिसको तमाम लोग करते हैं, क्योंकि ये टूटी हुई सड़क रोहतक को रिवाड़ी से जोड़ती है। ये बहुत अहम सड़क है, इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से टूटी हुई दिखाई देती है। हो सकता है बनने के लिए हो, लेकिन इस बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो मुझे सड़क पार करनी होगी और मैं सड़क पार करके यहीं कोई उनसे पूछने की कोशिश करता हूं। विकास तो आपके सामने दिख रहा है जी, देख लो विकास क्या हो रहा है ये आपके सामने है। जो स्थिति बीजेपी सरकार में हमारे साथ हुई है ऐसा तो ये मानो 70 साल पहले बता रहे भाई, 70 साल पहले ऐसी मंदी आई थी, जो मंदी का सामना आज हमने करना पड़ रहा है। इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का काम है जी। इतना 100 रुपए का मान लो चलान था, अब वो 1000 का हो गया है। ऐसे ये दो लाख रुपए के चलान हो रहे हैं, एक गाड़ी वाला कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। झज्जर विधानसभा सीट का अब तक का चुनावी मिजाज बताता है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। 2014 में जब मोदी की लहर थी तब भी इस आरक्षित सीट को कांग्रेस की गीता भुक्कल जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक गीता भुक्कल को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस बार राकेश कुमार ताल ठोक रहे हैं। झज्जर में इस वक्त आप देख रहे हैं हम लोग जुलूस में है, ये जुलूस जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर। राकेश जी आप ही देखिए ये झज्जर के अंदर जो ये जुनून, जो जोश आज के दिन है वो पहले कब था। आज झज्जर के अंदर कमल खिलने जा रहा है, ये सत्य है। आप देखिए लोगों का जुनून देखिए। सड़कों पर नेताओं के जुलूस के शोर के बाद चुनावी ताऊ आम लोगों के दर्द को समझने के लिए झज्जर के सरकारी जिला अस्पताल पहुंचा, तो यहां भी हालात बाकी अस्पतालों से बेहतर नजर नहीं आया। यहां 2 घंटे लग जाते लाइन में, 2 घंटे लाइन में। और 2-2 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद फिर अंदर टाइम लगता है, वहाँ भी लंबी लाइन है। कोई एजेंडा में है नेताओं के? अभी तो चुनाव में कोई एजेंडा नहीं, नहीं बोलता हूँ। नहीं नहीं, नेता सारे झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। अस्पताल में लंबी लाइनों के बाद डॉक्टर तो मरीज को देख लेते हैं, लेकिन जरूरी दवाइयां नहीं मिलती। कोई भी दवाई नहीं दी, अब ये सब बाहर से खरीदनी पड़ेगी। मिलती है लेकिन उतना नहीं मिलती है, सारी दवाई बाहर से लेना पड़ता है। सारी दवाइयां? हाँ जी, 1-2 दवाई मिल जाती है, बाकी बाहर से लेना पड़ता है। झज्जर से होते हुए चुनावी ताऊ का सफर बहादुरगढ़ पहुंचा, जो हरियाणा का द्वार कहा जाता है। झज्जर के बहादुरगढ़ कस्बे की पहचान अब दिल्ली मेट्रो से जुड़ी है। आजकल शहरी विकास का बस एक ही मायना रह गया कि क्या वहाँ मेट्रो चलती है या नहीं। अगर हम झज्जर की बात करते हैं तो मेट्रो मुंडका रेलवे लाइन यहाँ बहादुरगढ़ तक पहुँचती है, जो झज्जर का एक हिस्सा है। यानी पूरा विकास अपने कंधों पर ढोकर मेट्रो ही उस शहर को आगे बढ़ाए, ये एक नई कहानी विकास के तौर पर लोग सुनाते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ में मेट्रो के आने के साथ कितना विकास पहुंचा, चलिए इसको देखते हैं अलग अलग हिस्सों में चलकर, क्योंकि बहादुरगढ़ में इसके साथ साथ क्या रोज़गार आए, क्या बहादुरगढ़ में मेट्रो अपने साथ विकास की दूसरी कहानियाँ लाई, या सिर्फ मेट्रो एक यात्रा का संसाधन बनकर रह गई। चलिए मेरे साथ देखते हैं अलग अलग हिस्सों में बहादुरगढ़ के विकास की कहानी झज्जर के साथ। झज्जर जिले का बहादुरगढ़ हरियाणा का तीसरा शहर है जो दिल्ली मेट्रो से जुड़ा है, लेकिन क्या गुड़गांव फरीदाबाद की तरह मेट्रो से बहादुरगढ़ की किस्मत बदली, ये जानने के लिए चुनावी ताऊ ने यहाँ के लोगों से बात की।
बहादुरगढ़ इसलिए भी अलग होना चाहिए था क्योंकि जब हम उसको गुड़गांव के साथ जोड़ते हैं तो शायद बहादुरगढ़ पीछे खड़ा दिखता है। आखिर क्या कारण है, इस पर बातचीत करेंगे उन्हीं के, बहादुरगढ़ के लोगों से, कि वो क्या समझते हैं दिल्ली के करीब का पहला हरियाणा का शहर, उसको तो शहर जैसा दिखना चाहिए था, कैसा दिखता है इन्हीं से पूछते हैं। दिल्ली तो राजधानी है लेकिन बहादुरगढ़ भी जो है बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। मेट्रो के आने से क्या हालात बदले आपको लगता है कुछ? मेट्रो के आने से भैया बहुत अच्छी सुविधा बन गई है, सब कुछ सही अच्छा सा चल रहा है जी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बहादुरगढ़ के विकास की बात हुई तो यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया। दिल्ली के स्कूल अस्पताल के विकास की तुलना हरियाणा से हुई, किसी ने इसकी तारीफ की तो किसी ने कहा हरियाणा को केजरीवाल की जरूरत नहीं। आप दिल्ली जाइएगा जी, वहाँ स्कूल हॉस्पिटल देखने हैं तो वहाँ देखिए, यहाँ ना देखो, वो केजरीवाल से पूछो उसने कैसे किया है ये कमाल। हाँ लेकिन यहाँ के नेताओं को, यहाँ अगर आ जाए वो तो यहाँ भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बात सही है, केजरीवाल आएगा कि यहाँ कुछ? नहीं नहीं, यहाँ केजरीवाल की कोई वो नहीं है, जरूरत है कि नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं है। हरियाणा के गाँव कस्बों की बात हो और हुक्के की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा की राजनीतिक चर्चा भी इन दिनों हुक्के पर हो रही है। हरियाणा में राजनीति हुक्के पे राजनीति, हुक्के से राजनीति और हुक्के की राजनीति, यानी हुक्का हर राजनीति के केंद्र में आपको हरियाणा में दिखाई देता है। ऐसे ही बाजारों से गुजरते हुए एक दुकान हमको अपनी तरफ खींचती है जिसमें लाइन से हुक्के रखे हुए हैं, और ये हरियाणा की वो पहचान है। जब भी आप हरियाणा अपने जहन में नाम लेते हैं तो हुक्का अपने आप से आता है, और राजनीति यहाँ जैसे हुक्के से ही चलती है। ये हुक्का राजनीति के लिए भी बहुत काम आता है, राजनीति में भी काम हो जी, इसके बिना राजनीति हो हरियाणा की? इस मन वह चार भाई बैठे हैं, हर भाई हुक्का पीवा बतला ले, भाईचारा बना रहे। हरियाणा के चुनावी सफर के दौरान हमें जगह जगह वो गौशालाएं भी मिली जहाँ निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं नौजवान, और इन नौजवानों से हमने मौजूदा सरकार को लेकर उनका नजरिया समझने की कोशिश की। गायें हाल की राजनीति में अगर आप देखते हैं तो गायें काफी चर्चा का शब्द हुई, खासतौर से अगर हम हरियाणा राजस्थान और यूपी के हिस्सों में देखते हैं तो उसको लेकर तमाम लोगों ने अलग अलग बातें कही। लेकिन एक चीज आपको दिखाई देगी, जब आप सड़कों के किनारे से हरियाणा में गुजरते हैं तो अक्सर इस तरह की गौशालाएं आपको दिखाई देंगी जहां वो तमाम गायें या निराश्रित पशु हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये अपनी भावनाएं हैं जी, गौ माता के प्रति, उसी को लेके जो लोग इसकी सेवा में लगे रहते हैं। इस बार क्या होगा हरियाणा में? हरियाणा में जी बीजेपी है। अच्छा बीजेपी है, आपको भी लग रहा है? बिल्कुल लहर है जी, इसकी लहर है जो भैया कहेंगे। हरियाणा में परिवार की परंपरा भी बहुत प्राचीन है, और वहाँ कुटुंब और खानदान ये एक बड़ा शब्द है, वो लोग तय करते हैं। और बाकी हुक्के को आप जानते ही हैं कि हुक्के पर जो बैठकर तय होता है फिर गांव पंचायत समाज उसी के साथ चलता है, वो हुक्का ये तय कर देता है कि इस बार आखिर किसका तमाकू और किसकी चिलम चलेगी सरकार। तो ये था हरियाणा के झज्जर का चुनावी ताऊ का सफर। झज्जर की राजनीतिक गलियों से घूमने के बाद आप देखते हैं कि विकास है तो वो कुछ पॉकेट्स में सिमटा हुआ है, अगर मेट्रो है तो उसी पर सारे विकास की जिम्मेदारी जैसे तय हो गई हो, इन्वेस्टमेंट है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्याएं भी। ये थी झज्जर की चुनावी ताऊ की रिपोर्ट। चलिए अब चुनावी ताऊ चलता है रेवाड़ी की ओर, अहिरवाल का वो इलाका जिसका रिश्ता आजादी की लड़ाई से है और हिंदुस्तान के इतिहास से भी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेंद्र पुंडीर, न्यूज नेशन, झज्जर।